हेलो स्टूडेंट, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योर सेल्फ। स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक, विच टॉपिक इज़ गोइंग ऑन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स केमिकल प्रॉपर्टीज। सो वी हैव स्टार्टेड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल, व्हाट आई एम सेइंग स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज वी आर डिस्कसिंग नाउ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल किसकी कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स? केमिकल प्रॉपर्टीज की नॉन मेटल्स। सो लेट्स वी विल टेक द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स कौन सी है? जो कार्बन, जितने भी नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स होते हैं, मोस्टली दे मेक ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स। कैसे होंगे स्टूडेंट्स उनके ऑक्साइड्स? एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। एंड इन सम केसेस यू कैन से मे बी न्यूट्रल ऑल्सो। कैसा होगा? न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। लेट्स वी विल टेक वन एग्जाम्पल। लाइक फर्स्ट यू कैन से कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्साइड्स बनाते हैं, कार्बन इज ए व्हाट? नॉन मेटल। नाउ व्हेन नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना स्टूडेंट्स? एसिडिक ऑक्साइड्स। कैसे बनाएंगे? एसिडिक ऑक्साइड्स। एंड लेट्स वी विल टेक दिस एग्जांपल्स वन बाय वन, आई विल एक्सप्लेन। सी फर्स्ट वन इज, व्हाट इज द फर्स्ट वन स्टूडेंट? व्हेन कार्बन, सी कार्बन इज ए नॉन मेटल्स, सो व्हेन कार्बन बर्न्स इन एयर एंड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, देन इट मेक प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। सो व्हेन कार्बन बर्न्स इन एयर एंड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मेक्स द प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है स्टूडेंट, इसका नेचर क्या होगा? एसिडिक। व्हाट इज दिस नेचर? एसिडिक। क्या है इसका नेचर? एसिडिक है। अब जो भी एसिडिक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड या एसिडिक ऑक्साइड हो गया, अब इस एसिडिक ऑक्साइड को इफ आई विल डिजॉल्व इन वाटर, अगर इस एसिडिक ऑक्साइड को मैं वाटर में डिजॉल्व करती हूँ, दिस कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट स्टूडेंट्स? H2CO3। इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, CARBONIC। दिस इज कार्बोनिक एसिड। सो नॉन मेटल्स व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन दे मेक नॉन मेटल ऑक्साइड। कौन सा मेटल ऑक्साइड बना स्टूडेंट? ये दिस इज ए नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड क्योंकि दिस इज ऑक्साइड और दिस इज ए नॉन मेटल। नाउ व्हाट इज इट्स नेचर? इट्स नेचर एक एसिडिक। अब ये एसिडिक इसका नेचर है, इसको अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं वाटर के अंदर डिजोल्व करूँगी, देन व्हाट हैपन? इट मेक्स कार्बोनिक एसिड एंड दिस कार्बोनिक एसिड इज ए वीक एसिड। कैसी एसिड है स्टूडेंट? दिस इज ए वीक एसिड। नाउ लेट्स आई विल टेक वन मोर एग्जांपल। नाउ सेकंड एग्जांपल इज स्टूडेंट सल्फर। कौन सा एग्जांपल लिया हमने? सेकंड इज सल्फर। यू विल सी स्टूडेंट्स व्हेन सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जब भी सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, सल्फर इज व्हाट? सल्फर इज ए नॉन मेटल। एंड व्हेन नॉन मेटल इज बर्न इन एयर, नॉन मेटल्स को जब हम बर्न करते हैं एयर के अंदर, कहाँ बर्न करते हैं स्टूडेंट्स? नॉन मेटल्स को जब हम बर्न करते हैं इन एयर, सो व्हाट हैपन? इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स को जब हम बर्न करते हैं एयर में, तो किसके साथ रिएक्ट करते हैं? ऑक्सीजन के साथ। एंड देन व्हाट इट फॉर्म? एन ऑक्साइड विच इज एसिडिक। तो प्रोडक्ट क्या बना स्टूडेंट्स? SO2। SO2 इज ए एसिडिक ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ अगेन दिस सल्फर डाइऑक्साइड, इस सल्फर डाइऑक्साइड को इफ आई विल डिजॉल्व इन वाटर, इस वाटर में डिजॉल्व करूंगी, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट स्टूडेंट? H2SO3। इसको हम बोलते हैं सल्फरस एसिड। व्हाट इज इट्स कॉल्ड? SULPHUROUS, सल्फरस एसिड। ये जो सल्फरस एसिड है, इसका नाउ हाउ सल्फरस एसिड है, दिस इज ऑल्सो ए वीक
एसिड. सो नॉन मेटल्स जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो फर्स्ट रिएक्शन कौन सी कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट विच केमिकल प्रॉपर्टीज वी आर स्टडिंग स्टूडेंट्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन कौन सा कर रहे हैं हम, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स की किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ. किसके साथ कर रहे हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टूडेंट्स हम, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन. तो हमने फर्स्ट व्हाट वी हैव सीन, फर्स्ट हमने देखा है कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट वी हैव सीन सल्फर व्हेन बर्न्स इन एयर एंड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. सो व्हाट इट प्रोड्यूस, सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड एंड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर इट मेक्स सल्फरस एसिड. Now this sulfurous acid को अगर आप check करोगे with the help of litmus paper, किससे students, litmus paper से, तो कैसा आ जाएगा litmus paper का color, red. So blue litmus turns red, it means this is the nature of this substance is acidic. क्या इस substance का nature, acidic. Now students we will check this sulfur dioxide test. Okay, the color of the sulfur is, what is the color of the sulfur? Students, the color of the sulfur powder is yellow. Okay, so I will tell you the activity, how we will test it. See, in one activity, that it is a combustion, you will take a combustion spoon. Okay, even minute wait, but I will take the pen. So, combustion spoon, kaise hogi student? Like this one. This is a combustion spoon. Is, jaise spatula hota hai lab ke andar, you have seen spatula. Like same spatula, you see this combustion spoon. Okay, then what happened? We have to, this combustion spoon yahan bana deti hu main, okay? Yahan pe is tarikhe se. Ab kya karenge students? Isko humne, iske andar, we have taken some sulfur powder we have taken in this combustion spoon, in this one, but we have taken small amount of sulfur powder. Color is yellow. What is the color? Yellow. Now students, yellow color ko jab hum isme heat karenge over the flame se ke upar, hum jab isko spatula ko iske upar rakhenge, ye कंबशन स्पून को, इसके अंदर हमने सल्फर पाउडर ला रखा है. आफ्टर हीटिंग यू विल सी ए पंजेंट स्मेल इज कमिंग. कैसे स्मेल स्टूडेंट्स? पंजेंट स्मेल. व्हाट इज द स्मेल? पंजेंट स्मेल. नाउ दिस पंजेंट स्मेल स्टार्ट्स कमिंग. व्हेन इट स्टार्ट बर्निंग देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक दिस कंबशन स्पून इन ए जार. दिस इज ए गैस जार. इस गैस जार के लिड को हटा के इसके स्पैचुला, इस जो कंबशन स्पून है स्टूडेंट्स, इसको हम इसके अंदर ले आएंगे. और यहाँ पे सल्फर क्या कर रहा है? बर्न कर रहा है. और बर्न, इसको जब ये पूरा बर्न हो जाएगा, इसको लिड को ऊपर आप क्लोज करके रखो थोड़ा सा. ओके, साइड में ये स्पून है, थोड़ा सा इसको कवर करके रखेंगे. देन आफ्टर व्हाट विल सी, व्हेन इट बर्न कम्प्लीटली देन टेक आउट दिस कंबशन स्पून आउट एंड कवर दिस वन कम्प्लीटली. Now what happened when this gas is coming outside, now you can bring a litmus paper, like blue litmus paper. This litmus paper is blue. When I will bring this blue litmus paper dry here, then no change in color. But when I will bring this blue litmus paper moist, isko main moist thoda sa gila kar dungi, then student what happened, the color of this blue litmus turn red. Kaisa ho jayega wo? Red. इसको थोड़ा सा इसके पास में लेके आओगे, यहाँ से गैस निकल रही है, यहाँ ये स्पैचुला ये बर्न कर रहा है, तो थोड़ी साइड में गैस, ये लिड ओपन है, तो यहाँ से गैस रिलीज होती रहेगी. सो व्हेन वी ब्रिंग दिस ब्लू लिटमस पेपर नियर दिस गैस कमिंग आउटसाइड देन इट टर्न ब्लू, सॉरी टर्न रेड. रेड ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड. नाउ आफ्टर सम टाइम व्हाट आई विल डू दैट I will remove this spatula, students.
this combustion spoon out from this gas jar, and now what is filled here? This is a gas inside. Which gas, students? Sulfur dioxide. Now what I will do, now I will open slightly one lid and put some water, few drops of water in this one, and shake it well. Aap isko achhe tarike se is tarike se hila sakte ho aram se easily. After some students, then isko we will mix karne ke baad, then what we will do, now you will bring a litmus paper here. Okay, this litmus paper is blue, or you can take red litmus also. Red litmus paper, this is blue litmus paper, this is red litmus paper. Now with the help of dropper, ab isko achhe tarike se aapne mix kar diya water ke andar. Now student, what we have to do, so now students, what we will do, now we will open this lid and take a dropper. This is a dropper, okay, this is a one dropper. Ab is dropper ki help se we will take one or two drops and put here on this same litmus paper, and again tape one or two drops and then put on this litmus paper. Now here we will find no change in the color of the litmus paper. Red color remain red, same, no change. But when we put the few drops of the sulfur dioxide ko jab humne water mein dal diya to kya aa gaya tha students, H2SO3, sulfurous एसिड. अब ये H2SO3 को जब हमने फ्यू ड्रॉप्स यहाँ पे डाला, देन व्हाट हैपन, ब्लू लिटमस पेपर टर्न हेयर रेड. इट मीन्स द नेचर इज एसिडिक. व्हाट इज इट्स नेचर? इट्स नेचर इज एसिडिक. सो व्हाट वी हैव द सीन, नेचर एसिडिक. सो व्हाट वी हैव सीन स्टूडेंट्स, दैट नेचर ऑफ CO2 इज ऑल्सो एसिडिक. And SO2, same phosphorus भी when react करती है students oxygen के साथ तो क्या बनाती है, phosphorus pentoxide. phosphorus pentoxide P2O5. So phosphorus pentoxide is also students, nature is acidic. What is its nature? Acidic. Phosphorus pentoxide का भी nature क्या है? Acidic. But I told there are few non-metals are there whose nature is neutral. Whose nature is neutrals. We will discuss students. First I will tell you water. Water मतलब hydrogen is a non-metal. This when this hydrogen gas, hydrogen and oxygen react, they make water, and we know very well. So अगर इस water को आप check करोगे with the help of litmus paper, then the color of the red and blue litmus paper, red litmus paper and blue litmus paper, no change in the color of the red litmus paper and blue litmus paper. It means this substance is neutral. Now again one more example I will tell, that when carbon react with oxygen, what I told students, when carbon react with oxygen, but this oxygen is insufficient, not excess of means you can say insufficient oxygen. जब oxygen की कमी होगी तब carbon oxygen के साथ react करेगा तो क्या बनाएगा students, carbon monoxide. And this carbon monoxide is also neutral. क्या है बेटा, ये भी neutral. And same you can say nitrogen students, monoxide, nitrogen dioxide, इनका भी nature क्या है, neutral. So carbon monoxide, nitrogen oxide, nitrogen dioxide, water, all these non-metal oxides are neutral in nature. Means if you will check with the help of litmus paper, then red litmus paper remain red and blue litmus paper remain blue. Their color changes, there is no change in the color. ओके, सो इट मीन्स दीज आर न्यूट्रल. तो कभी भी आपसे पूछ ले कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, दीज नॉन मेटल्स आर न्यूट्रल इन नेचर. सो
सॉरी स्टूडेंट्स, हेयर वन मिस्टेक. ये है यहाँ पे व्हाट आई टोल्ड, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. क्या ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं था, यहाँ पे करेक्ट कर लो. इट इज नाइट्रोजन की जगह पे है डाई, दो है ना नाइट्रोजन के, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. एक ऑक्सीजन एनओ टू नी एन टू ओ, एन ओ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो न्यूट्रल. सो इसको ये बाई मिस्टेक लिख दिया था, सो सॉरी फॉर दिस वन. तो स्टूडेंट्स, नाउ यू आर एबल टू नो दैट विच नॉन मेटल्स नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल एंड विच नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. एंड इन दिस केमिकल प्रॉपर्टीज वट वी हैव स्टडीड, हमने क्या स्टडी किया स्टूडेंट्स इस केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, कि वट दिस केमिकल प्रॉपर्टीज वी हैव स्टडीड दैट नॉन मेटल्स, कौन सी केमिकल स्टडी की हमने, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. ये फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की. तो ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्शन देख ली नॉन मेटल ऑक्साइड की. सो सम नॉन मेटल्स ऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मेक एसिडिक ऑक्साइड, एंड सम नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मेक न्यूट्रल ऑक्साइड्स. नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर. सेकेंड इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर. अब देखते हैं नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं. सी स्टूडेंट्स, व्हाट इज नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, वो रिएक्ट ही नहीं करते. नाउ समटाइम दे विल आस्क द रीजन व्हाई नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, गिव योर रीजन. बोर्ड का क्वेश्चन क्या होता है, व्हेन ए नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर फाइंड आउट टेल द प्रोडक्ट एंड गिव रीजन ऑफ योर आंसर. तो कई स्टूडेंट्स तो कुछ प्रोडक्ट लिखते हैं बट नो रिएक्शन आएगा ना, व्हाट इज द रीजन स्टूडेंट्स. दिस इज बिकॉज नॉन मेटल, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज नॉन मेटल का मैं NM लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, बिकॉज नॉन मेटल्स कैनॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स. नॉन मेटल्स क्या स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नहीं देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट्स नहीं करते. नॉन मेटल्स कैनॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू, नॉन मेटल्स कैनॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन्स ऑफ वाटर इंटू हाइड्रोजन गैस. सो देखो स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकते. किसको नहीं दे सकते, हाइड्रोजन आयन को. अगर हाइड्रोजन, क्योंकि HCl हो या H2, HCl को भूल जाओ, इस कॉन्सेप्ट में HCl नेक्स्ट वाले पे आएगा. जैसे वाटर है, अब नॉन मेटल है यहाँ पे, नॉन मेटल जैसे यहाँ पे लगा लो आप कार्बन. अब कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन, जब ये ब्रेक होगा, वाटर किस में ब्रेक होता है, आयन्स में ब्रेक होगा, तो हाइड्रोजन आयन्स में ब्रेक हो गया वाटर. ओके, एच आयन्स और OH आयन्स में ब्रेक होगा स्टूडेंट्स. अब इस एच आयन को, एक आयन बन गया, एक और आयन चाहिए इसको ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, हाइड्रोजन गैस में. हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, सो कार्बन मतलब नॉन मेटल्स कैनॉट गिव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसको नहीं दे सकता, टू रिड्यूस हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस कर दे किस में, हाइड्रोजन गैस किस में, हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर. ये हाइड्रोजन आयन किसका स्टूडेंट, वाटर का हाइड्रोजन आयन है. सो नॉन मेटल्स कैनॉट गिव इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयन, ताकि हाइड्रोजन आयन किस में रिड्यूस हो जाए, इनटू हाइड्रोजन
गैस। हाइड्रोजन आयन्स को हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन आयन को स्टूडेंट्स हाइड्रोजन नॉन मैटर कार्बन है और ये वाटर है। ओके तो यहाँ पे क्या है, अब ये वाटर किस में ब्रेक हुआ स्टूडेंट, एच आयन और ओ एच आयन में ब्रेक होगा। अब इस एच आयन को, ताकि ये एच आयन किस में रिड्यूस हो जाए, हाइड्रोजन गैस में। ओके सो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा इसको, नॉन मेटल्स दिस कार्बन दिस इज नॉन मेटल, नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर। नॉन मेटल्स डू नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर टू रिड्यूस हाइड्रोजन टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। सो हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर को हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाए, कैसे कन्वर्ट होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो, हाइड्रोजन आयन को अगर इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो रिड्यूस होगा, बट ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते, दैट इज द रीजन। सो सेम वी विल सी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड, यही सेम यहाँ पे वाटर की जगह पे अगर मैं क्या लिखूँ स्टूडेंट, इंस्टेड ऑफ वाटर इफ आई विल राइट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड, चलिए डाइल्यूट एसिड का कल ही करते हैं स्टूडेंट्स, सो क्योंकि 20-21 मिनट्स की हो गई। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, आई होप आज की दोनों रिएक्शंस आपको समझ में आएगी नॉन मेटल्स की। एक हमने किया है नॉन मेटल्स का रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, दूसरा हमने किया है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।